आज की वीडियो होने वाली है टॉप 5 बेस्ट AMOLED स्मार्ट वॉचेस अंडर 2000 पे। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज अर्शद, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो यार, मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जो बजट रहता है वो अंडर 2000 का ही रहता है, और उसमें ही सबसे ज्यादा लोग स्मार्ट वॉचेस की डिमांड करते हैं। अभी Flipkart और Amazon पे ऑफर चल रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाने को बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बट मैं ऐसी वीडियो के साथ आया हूं जो ऑफर्स के अलावा भी बाद में अगर इस वीडियो को देखते हो तो भी आप लोगों के बहुत काम में आने वाली है। तो चलते हैं इन टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस के बारे में बात करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अंडर 2000 ही देखने को मिलेंगी, और ऑफर्स में भी काफी अच्छे यहाँ पे डिस्काउंट्स भी देखने को मिलेंगे। इन सारी स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को AMOLED डिस्प्ले, बढ़िया UI, इसके अलावा अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिलेगी, और एक्यूरेसी भी यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाली है। तो चलते हैं रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस पे ज्यादा अच्छा ऑफर है और कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट है। ये पांचों स्मार्ट वॉचेस वैसे तो अपनी जगह काफी अच्छी है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें से किसी में भी, बट फिर भी आप लोगों को रैंकिंग पसंद है इसीलिए मैं कर देता हूँ। तो रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी कभी लाइक करो। यहाँ पे जो 5th नंबर पे स्मार्ट वॉच है, ये आती है बोट की तरफ से, बोट लूनार ORB। जी हाँ, इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.39 इंच की AMOLED ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वालिटी दी गई है डिस्प्ले की। इस प्राइस रेंज में अक्सर आप लोगों को अच्छी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है, बस AMOLED लिख देते हैं, बट लूनार ORB के केस में ऐसा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे 2 AOD के वॉच फेसेस मिल जाते हैं, दोनों की विजिबिलिटी अच्छी है, इंडोर आउटडोर कहीं पर भी कोई दिक्कत फेस नहीं करोगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग कस्टम वॉच फेस वगैरह भी लगा सकते हो। ओवरऑल एक अच्छी डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच है ये। वहीं बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी करी है बोर्ड ने, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलेगी, मेटल की होती तो ज़्यादा बेटर रहता। 2 बटन मिल जाते हैं, एक मेन मेन्यू के लिए, एक स्पोर्ट्स मोड के लिए। बैक साइड में भी यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, 22mm का स्ट्रैप है, स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। नोट की हाईलाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग और क्विक रिप्लाई जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ हेल्थ ट्रैकर्स में हार्टरेट SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड SpO2, और यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर का भी फीचर दिया गया है। बेसिक फीचर्स में आप लोगों को कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, फाइंड माय फोन, डू नॉट डिस्टर्ब और टॉर्च जैसे अच्छे फीचर्स तो मिलते ही हैं। 700 प्लस एक्टिव स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाएंगे, क्रिकेट स्कोर देख सकते हो। इसके अलावा IP68 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग और 6 डेज का बैटरी बैकअप भी ये स्मार्ट वॉच प्रोवाइड कर देती है। एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है ये, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये में देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम डे सेल पे। बात करते हैं यहाँ पे 4th नंबर स्मार्ट वॉच के बारे में, ये आती है फायरबोल्ट की तरफ से, हाल ही में लॉन्च हुई फायरबोल्ट डैपर। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को 2.15 इंच की ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बिल्कुल भी पिक्सल रेट नहीं होती है, 360x385 का पिक्सल रिजोल्यूशन दिया गया है। साथ ही साथ AOD का भी फीचर मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज लगी मुझे। इसके अलावा कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो, क्वालिटी जबरदस्त है, बिल्कुल ही नेचुरल क्वालिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे, कलर एक्यूरेसी वगैरह भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी यहाँ पे डिजाइनिंग देखने को मिलेगी इस स्मार्ट वॉच की। मेटेलिक बॉडी दी गई है, एक वर्किंग क्रॉन, एक स्पोर्ट्स मोड बटन मिल जाता है। साइड में काफी अच्छा ग्लास फिनिश भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बना देती है इस स्मार्ट वॉच को। 44mm का स्ट्रैप है, स्ट्रैप की क्वालिटी काफी अच्छी है यार, यहाँ पे कोई दिक्कत अभी तक मुझे नहीं हुई है, इचिंग रैशेज या स्वेट जैसी कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करी है। ओवरऑल एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली स्मार्ट वॉच है, और डिजाइन भी काफी प्यारा देखने में लगता है, एक अच्छी बिल्ड एंड डिजाइन वाली स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। वहीं बात करूं मैं इसके कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स तो मिलते ही है। साथ ही साथ हेल्थ ट्रैकर्स में हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड, BP मॉनिटर और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा फीमेल हेल्थ ट्रैकर और साथ ही साथ ECG जैसे तगड़े फीचर्स भी दिए गए हैं। एक अच्छी और फीचर लोडेड स्मार्ट वॉच है ये। यहाँ पे आप लोगों को 6 डेज का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम कर रही है, बट मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच दे देगी। वही बात की जाए इसके वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग की, तो IP67 की रेटिंग के साथ आती है, हल्की फुल्की बारिश में यूज कर सकते हो, बट हाँ स्विमिंग नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी और वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है, इसीलिए यहाँ पे रखी है मैंने, क्योंकि इसकी डिस्प्ले भी काफी बड़ी है और अच्छी भी है। बट हाँ, ये स्मार्ट वॉच उन्हीं लोगों पर अच्छी लगेगी जिनकी रिस्ट थोड़ी गोरिल्ला है या फिर मीडियम साइज की है, अदरवाइज जो थिन रिस्ट वाले हैं उनके ऊपर ज्यादा खास नहीं लगेगी। बात करते हैं 3rd नंबर स्मार्ट वॉच की, एक लक्स एडिशन वाली स्मार्ट वॉच है, जो कि आती है पेबल की तरफ से, पेबल कॉस्मोस वॉल्ट। काफ़ी पहले लॉन्च हुई थी मुझे पता है, लेकिन इस टाइम ये 1500 रुपये की मिल रही है, तो सोचा आप लोगों को बता दूं। काफ़ी अच्छी और वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है, और इस प्राइस रेंज में मुझे बहुत तगड़ी स्मार्ट वॉच लगती है ये। यहाँ पे आप लोगों को 1.43 इंच की AMOLED ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। पीक ब्राइटनेस यहाँ पे 600 निट्स की दी गई है, जिसकी वजह से इंडोर आउटडोर कहीं पे भी विजिबिलिटी को लेकर आप लोग कोई इशू फेस नहीं करोगे। इसके अलावा 2 AOD के वॉच फेसेस मिल जाएंगे, चाहे तो आप लोग इसको आउटडोर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लोग कोई दिक्कत फेस नहीं करोगे, और साथ ही साथ कस्टम वॉच फेस वगैरह भी लगा सकते हो, और क्वालिटी काफी नेचुरल निकल कर आती है। बात की जाए बिल्ड एंड डिजाइन की, तो मेटेलिक बॉडी दी गई है क्रोम फिनिश के साथ, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम बना देती है इस स्मार्ट वॉच को। बैक साइड में यहाँ पे ग्लास फिनिश का यूज किया गया है, 22mm का स्ट्रैप है, एक वर्किंग क्रॉन, एक यहाँ पे आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड बटन मिल जाता है। ओवरऑल एक लग्जरी स्मार्ट वॉच है ये, और मुझे इसका बिल्ड एंड डिजाइन काफी पसंद आया है पर्सनली। की हाइलाइट्स की बात करूँ तो ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स तो मिलते ही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड और BP मॉनिटर
मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स भी दिए गए हैं, फीमेल हेयर ट्रैकर, कैलेंडर, कैलकुलेटर जैसे तगड़े फीचर्स भी मिल जाएंगे, कुछ टाइम पास के लिए गेम्स भी दिए गए हैं, IP67 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है, हल्की फुल्की बारिश में यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा 5 डेज का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच इजिली दे देती है विदाउट AOD एंड कॉलिंग। कॉलिंग के साथ आप लोगों को एक दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पर जो स्मार्ट वॉच है ये आती है नॉइस की तरफ से इवॉल्व 4। जी हाँ, काफी टाइम पहले ये भी लॉन्च हुई है, मतलब 3-4 महीने हो चुके हैं, मैं भी ज्यादा हो गए हूँ। यहाँ पे भी आप लोगों को 1.46 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। काफी बढ़िया डिस्प्ले की क्वालिटी है यार, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर कोई भी इशू फेस नहीं करोगे। इसके अलावा यहाँ पे AOD के वॉच फेसेस भी देखने को मिल जाते हैं, उनकी विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो, नेचुरल कलर यहाँ पे भी प्रोड्यूस करती है ये स्मार्ट वॉच। साथ ही साथ यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूँ तो मेटेलिक बॉडी देखने को मिल जाएगी, एक वर्किंग क्राउन मिल जाता है, एक स्पोर्ट्स मोड बटन दिया गया है। बैक साइड में ग्लास फिनिश का यूज किया है जिसकी वजह से प्रीमियम लगती है ये स्मार्ट वॉच। बाकी 22mm के काफी सारे आप लोगों को स्ट्रैप्स भी मिल जाएंगे जिसकी क्वालिटी डिसेंट है। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग और क्विक रिप्लाई जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। हेल्थ ट्रैकर्स में आप लोगों को सारे हेल्थ ट्रैकर्स मिल जाएंगे जो कि नॉइस की स्मार्ट वॉचेस में अक्सर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे SOS जैसे तगड़े फीचर्स और आप लोगों को रैपिड हेल्थ का भी सपोर्ट मिल जाता है। रैपिड हेल्थ में बेसिकली ये होता है कि एक टच पे ही आप लोगों को सारा हेल्थ डेटा देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा फीचर लगा है मुझे नॉइस की स्मार्ट वॉच में। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को 100+ स्पोर्ट्स मोड, IP68 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, 6 डेज का बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड कर देती है। एक अच्छी और वर्थ बाइंग स्मार्ट वॉच रहने वाली है। अगर आप लोगों का बजट 2000 रुपये राउंड डायल में कोई स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो नॉइस के अगर फैन बॉयज हो तो। आते हैं अब नंबर 1 स्मार्ट वॉच पे। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और वीडियो को भी कभी लाइक करो। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो स्मार्ट वॉच है ये स्मार्ट वॉच आती है फायरबोल्ट की तरफ से इनविजिबल प्लस। जी हाँ, मैंने इसको नंबर 1 पे क्यों रखा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये स्मार्ट वॉच 5000 रुपये में लॉन्च हुई थी और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, अभी तक किसी भी 5000 रुपये वाली स्मार्ट वॉच में इतने फीचर्स देखने को नहीं मिले हैं। और ये अब आप लोगों को सिर्फ 2000 रुपये में मिल रही है अमेजोन प्राइम डे सेल पे। तो यार इस स्मार्ट वॉच के बारे में मेरा फर्ज बनता था बताना, क्योंकि अगर आप लोग एक लग्जरी और फीचर लोडेड स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो इससे बेटर स्मार्ट वॉच कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात करूँ तो 1.43 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 20x22 यहाँ पे आप लोगों को AOD के वॉच फेसेस भी देखने को मिलेंगे, मतलब आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं भरने वाला, इतने ज्यादा AOD के वॉच फेसेस मिल जाते हैं। इसके अलावा कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कलर एक्यूरेसी भी बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूँ तो सर्कुलर डायल में स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, मेटल की बॉडी दी गई है, मेटल के स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, बैक साइड में यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया गया है, एक वर्किंग क्राउन मिल जाता है, एक स्पोर्ट्स मोड बटन दिया गया है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन काफी ज्यादा लग्जरियस है, मतलब कि हाथ में पहनने के बाद बहुत लोग आपसे पूछने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए इसके कुछ अदर फीचर्स की तो यहाँ पे भी अगेन ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स तो मिलते ही हैं। सारे हेल्थ ट्रैकर्स मिल जाएंगे, सारे बेसिक फीचर्स दिए गए हैं, कैलकुलेटर, गेम्स और कैलेंडर जैसे यूजफुल फीचर भी मिल जाएंगे। 4GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, TWS पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, 300+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, 100+ वॉच फेसेस आप लोगों को इनबिल्ट ही देखने को मिलेंगे, IP67 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग दी गई है। भाई देख रहे हो कितने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये के अंदर। ये स्मार्ट वॉच बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इस टाइम पे जब ये आप लोगों को ऑफर में मिल रही है। बाकी अगर ये कभी आप लोगों को अंडर 3000 या 2500 रुपये के आसपास भी मिलती है तो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है अब की जितनी भी स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं उनसे। आते हैं अब आउटरो पे। देखो यार, जितनी भी स्मार्ट वॉचेस बताई है ना, मैंने इनको ऑलरेडी यूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों के सामने ये सारी लिस्ट रखी है मैंने, ताकि आप लोगों का पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, ऐसा ना हो कि ऑफर के चक्कर में आप लोग कोई सी भी स्मार्ट वॉच परचेज कर लो। ऐसे तो ये वीडियो ऑफर के बाद भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जो भी लोग अंडर 2000 वाली स्मार्ट वॉचेस को सर्च कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी भी स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो, करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।